बिना की शादी जीतू से करवा देते हैं। आई, मेरी शादी ही अगर आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो आप इस जिम्मेदारी को कुछ अरसे के लिए भूल जाइए। तो फिर एक बात और सुन लो, तुम्हें मेरी जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। आपने अपनी मंजिल तय कर ली? नहीं, अभी तो नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे आसाम के स्त्रियों और बच्चों के लिए आया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं अरुणाचल और मेघालय भी जाऊँगा। मैं भी आप ही के पच्चनों पर चल रही हूँ, मैंने तो शादी करने का विचार ही छोड़ दिया है। यूं लगा कि शायद एक लड़की होती तो हमें बुढ़ापे में सहारा दे सकती थी। ऐसी बातें नहीं कर, ऐसी बातें वो लोग सोचते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। मैं समझ गया बीना, कुछ दिन रुक जाओ, थोड़ा और सोच लो। जिस अंजना से मिलने हम जा रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। तुम तैयार हो, मीनवाइल मैं शेव करके आता हूँ, ठीक है? आपने आज मेरी मदद करके मेरे सम्मान की रक्षा की है, ये मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपने आगे पढ़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? बीए के बाद ही इसके माता पिता ने इसकी शादी करवा दी। उसके पिताजी मछुआरे थे, एक बार नदी में मछली पकड़ने गए, बाढ़ की चपेट में आकर लौटे ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता बीना, इंसान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से क्यों नहीं जी सकता? क्यों उसे मजबूर किया जाता है कि वो अपनी जिंदगी किसी और की तरह से जिए? नौगांव में काफी लड़कियां हैं जो इंटर तक पढ़ चुकी हैं लेकिन अब तक बेरोजगार थी। हमने उन्हें नौकरी दिलाई है एक कारखाने में। वैसे आपकी सब पर्सनल चीजें रखने का हक सिर्फ दीदी को होना चाहिए। रंजीता, जब हम लोग साथ में काम करते हैं ना तो हमारे बीच कुछ भी पर्सनल नहीं होता। नहीं सर। और वैसे भी मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी थक जाती हो, इसलिए सारा काम मैंने रंजीता को सौंप दिया। ओके, तुम रंजीता के साथ चले जाओ। I will manage myself. मुझे मेरे काम के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों के संग साथ की वजह से दीदी को कोई गलतफहमी हो गई हो? क्या बीना, तुम्हें पैरालाइज का अटैक आया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बीना, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बीना, प्लीज मुझे माफ कर दो।